ये देखिए भाई किस तरह वाहन गुजरते हैं। इसमें आप जो दृश्य देख पा रहे हैं ये गांव बूढ़ा खेड़ा का दृश्य है। देख सको भाई किस तरह वाहन गुजरते हैं पानी के मध्य से। इसमें जो गांव बूढ़ा खेड़ा का ये दृश्य है मेन रोड पर पानी दिखिए देखिए भाई। इस समय कुछ वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, किस तरह की समस्या है, कब से है समस्या? भाई साहब एक हफ्ता हो गया। अच्छा हाँ, रोड पर पानी देख सको आप। भाई रोड पर पानी देख सको हो, इस भाई ने पाम पानी में रखे हैं, बाइक भी देख सको कितना पानी, कितने दिन तक चल रहा है भाई? एक सप्ताह हो गया रोड से ऐसे गुजर रहा है। पिछले साल भी नहीं चला था, पिछले साल भी हुआ था भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं देखना रहा। समस्या समाधान नहीं है। कौन से गांव से आप? बूढ़ा खेड़ा से। ये भाई बूढ़ा खेड़ा, क्या नाम भाई साहब? मेरा अरुण है भाई साहब। ये भाई अरुण है बूढ़ा खेड़ा से। देख सको हो कितना पानी रोड पे है फिलहाल। गाँव से पानी लगातार पिछले दिन से पहुँच रहा है, पिछले दिनों से काफी पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, देख सकते हैं। ये है मेन रोड बूढ़ा खेड़ा का दृश्य जो इसमें आप देख पा रहे हैं, और आगे दृश्य भी दिखाएंगे। जो नेशनल हाईवे है जींद रोड तक को जोड़ता है उसके पास का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं वाहनों को पानी के मध्य से गुजरना पड़ता है। ये देखिए भाई रोड पर जो पानी है, देख सको जो वाहन चालकों को इसमें सुन सकते हैं आवाज़, जो पानी के बहाव की आवाज़ है आराम से सुनी जा सकती है, और रोड से पानी बह रहा भी आप देख सकते हैं। ये बारिश का पानी है जो पिछले गाँव की तरफ से आता, जो पीछे गाँव रह गए उनकी तरफ से पानी आता है। पिछले साल भी ऐसे ही पानी आया था और पूरा रोड तहस नहस हो गया था। इस समय जो आप देख पा रहे हैं बूढ़ा खेड़ा गांव का ये दृश्य है, और बूढ़ा खेड़ा गांव का ये रोड देख सको भाई किस तरह से लोगों को इन गड्ढों के मध्य से गुजरना पड़ता है। गांव बूढ़ा खेड़ा के रोड का ये दृश्य है जो इस समय आप देख पा रहे हैं।